हरिद्वार के शिवालिक नगर में हुए दंपति हत्याकांड को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है और घटना की जांच हर एंगल से कर रहा है। इस दोहरे हत्याकांड पर जांच का जायजा लेने डीजी अशोक कुमार आज शिवालिक नगर में घटनास्थल पर पहुंचे। डीजी अशोक कुमार के हरिद्वार आने की खबर लगते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। आपको बता दें कि डीजी अशोक कुमार के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही एसएसपी सेंथिल अबुदई राजकृष्ण एस, एएसपी विशाखा भंडारी, सीओ सदर पूर्णिमा गर्ग, सीओ रुड़की चंदन सिंह बिष्ट के साथ अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। नवभारत समाचार हरिद्वार से अर्चना डिंगरा की रिपोर्ट। कोई गंभीर घटना हुई है और हमने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। कुछ हमारे अभी तक योजना थोड़ी आगे बढ़ी है, किंतु अभी कोई कंप्लीट क्लू नहीं मिला है। अभी उम्मीद है कि जरूर हम इसको वर्कआउट करने में सफल होंगे। हमने टीमें लगाई हैं, हमने भी एसटीएफ की टीम लगाई है और भी स्पेशल टीम बुलाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि कैसे आप सर, उसके अतिरिक्त हमने ये भी कहा है कि जो शिवालिक नगर है काफी समय सूचे हुए आते हैं, तो इनके लिए एक विशेष सुरक्षा योजना आपके नागरिकों के साथ मिल सकते हैं। बस इसके साथ एक अलग से एक सुरक्षा प्लान किया। सर टिकट तो ऑलरेडी है और गश्त भी हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसीलिए मैंने कहा नहीं, सबके साथ नागरिकों के साथ मिलकर इसे ज्वाइन कर पाता है, पहले पुलिस भी सब नहीं कर पाता है, तो इस एरिया को और ज्यादा सिक्योर कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर काम करें।